हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PSOC 134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी करवाऊंगी। गाइस, ये इस बुक की फर्स्ट वीडियो है। एंड देखिए, आप पहले तो सबसे पहले इस बुक का ना कवर पेज देखिए, कितना प्यारा सा कवर पेज है, और पढ़ने में भी ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। और एज सच इस बुक में ना वर्ड टू वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कुछ चीज़ों की, लाइक कि आपको हर वर्ड बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस बुक में से जितना भी आप पढ़ते हैं ना, तो मेक श्योर करिएगा कि आप अगर इस बुक को 60-70% भी पढ़ पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो आपके लिए एग्ज़ाम में स्कोर करवाने के लिए इतना इनफ रहेगा। क्योंकि बुक में नो डाउट नॉलेज काफ़ी अच्छी दे रखी है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ इसमें किया गया है। प्लस इसमें कनेक्ट करके लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना भी पढ़ना होगा वो खुद से आपको वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। स्कॉलर्स के नाम है, थ्योरीज हैं, तो वो सब चीज़ों को ना आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और लर्निंग ही, और अच्छे तरीके से लर्निंग विद जो वर्ड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं उनको यूज़ करते हुए, वही इस बुक में स्कोरिंग का एक बेस्ट वे है। यू कैन सी कि ये इसका बुक का इंडेक्स है, और इन टोटल यहाँ पे आपको 11 यूनिट्स दे रखी हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 11, और कोई ब्लॉक एज सच इसमें है नहीं। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि यूनिट 11 यूनिट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं। और अगर आप इग्नू से सोशियोलॉजी का कोई कोर्स कर रहे हैं या आपका पॉलिटिकल साइंस में, तो ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं ना, तो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं सो उसमें ये आपका कोर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली 100 मार्क्स इसकी वेटेज है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, नो डाउट, इसलिए मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा ईजी करने का ट्राई किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, ये हाफ बुक के लिखे हैं, मींस कि आपके 11 यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स के कुछ मोस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फिल्टर करके लिखे हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दे रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कमेंट करेंगे, और अगर आपको एक्चुअल नीड होगी इन क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप। और गाइज, इसके अलावा मेरा ना एक और चैनल है फिजिक्स फैंटम के नाम से, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करिए। मेरे उस चैनल को भी आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस चैनल के उसमें की हेल्प से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इग्नू एग्ज़ाम्स में ज्वाइन का एक बटन है, जिसको आप प्रेस करके जिसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियोज़ की जो मैं यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए, उसकी PDF, या फिर कुछ आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो मैंने नहीं अपलोड करे और आप चाहते हैं जल्दी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो भी आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वेल, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, BSOC 134 है, मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी, और ये है यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज थ्योरी डिफर फ्रॉम आइडियोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स फोकस। तो गाइज, ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 2 का है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिसर्च डिस्कस, ये भी आपका यूनिट 2 का है। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से मैंने सेलेक्ट करे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी क्या होती है, या फिर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी पर शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडल टाइप, आइडल टाइप के क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, यूनिट 3 अगेन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दो क्वेश्चंस आपके यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में 3 क्वेश्चंस आपके यूनिट 5 के हैं। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड, सेकंड वन इज, व्हाट इज डिडक्टिव मेथड। ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, इस पर डिफरेंसेस आ सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इवोल्यूशनिस्ट मेथड नेम, सम थिंकर्स हु हैव यूज दिस मेथड। सो गाइज, ये भी आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है, और प्लीज़ दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, आई रियली वेरी सॉरी, इस वीडियो में इतना शोर हुआ, मैं चाहती थी कि ना हो, लेकिन फिर बिना ना चाहते हुए बिना इतना शोर कहीं ना कहीं से आ जाता है। पहले इन चीज़ों को आप अवॉइड करके सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस किया कीजिए, कि जो मैं चिल्ला रही हूँ या मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए।
और जो बीच में शोर हुआ था उसके लिए रियली वेरी सॉरी। आप करके आ सकते हैं, वीडियो एक बार पोस्ट करिए, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर्स ये यूनिट से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपके पास में बुक नहीं है, आपके एग्ज़ाम का भी अभी टाइम है और तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा एग्ज़ाम कब है, मैं इन आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।